सबसे बिगेस्ट इश्यू जो हम सब फेस कर रहे हैं समर्स में वो है डिहाइड्रेशन। अब जितना पानी चाहे अपने बॉडी को उतना पानी नहीं पी रहे थ्रू आउट द डे, जो तकरीबन 8 से 10 ग्लासेस है दिन में। और कोई कोई तो हेल्थ को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर देते हैं और कभी कभी ओवर इनटेक भी कर लेते हैं पानी का, जो आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ड्रिंकिंग टू मच वाटर या फिर ज्यादा ओवर हाइड्रेटेड रहना भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल AskiGuru को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पॉट दिस 5 साइंस ऑफ ओवर हाइड्रेशन। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आप ओवर हाइड्रेट हो रहे हैं कि नहीं? फर्स्ट, रिमेम्बर करें कि जब भी आप बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, इन रिजल्ट आपकी बॉडी एक कंडीशन में आ जाती है जिसका नाम है हाइपोनेट्रेमिया, जहां सोडियम लेवल आपकी बॉडी में ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाता है। हमारे बॉडी को सोडियम की जरूरत है अच्छे से फंक्शन करने के लिए, पर ओवर हाइड्रेशन से आपकी बॉडी आपको रिटेन वाटर कर सकती है, जिससे डिफिकल्ट हो जाएगा एक्सेस वाटर को निकालना। आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये साइंस आपके माइंड में जरूर रखे। कलर ऑफ योर पी चेंजेस। जब आप ज्यादा पानी पीते हैं तो आपको क्या चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होने लगती है? डेफिनेटली आपको वॉशरूम ज्यादा फ्रीक्वेंटली विजिट करना पड़ता है। बट जब आप वॉशरूम जाते हो तो तब आपको आपके यूरिन का कलर भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर हेल्दी यूरिन वो है जो येलोइश कलर की हो और ना कि क्लियर, तो अगर आपकी यूरिन क्लियर है तो डेफिनेटली आप ओवर हाइड्रेटेड हो। ड्रिंकिंग वाटर इवन व्हेन यू आर नॉट थर्स्टी। क्या आप पानी पीते हैं जब भी आपका मूड नहीं होता पीने का? उस टाइम पर स्टॉप कीजिए। थर्स्ट एक नेचुरल बॉडी रिएक्शन होता है डिहाइड्रेशन को फाइट करने के लिए, और जिससे पानी पीने से कम होती है वो थर्स्ट। और रैंडम और अनवांटेड टाइम्स पर पूरी बॉटल भरने से पानी पीने से आप अपनी बॉडी के मैकेनिज्म को कंफ्यूज कर रहे हैं। एक्सपीरियंसिंग नौसिया वॉमिटिंग। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि साइंस ऑफ ओवर हाइड्रेशन डिफरेंट होते हैं डिहाइड्रेशन से। जब भी आप कलेक्टिवली ज्यादा पानी पीने लगते हैं, आपकी किडनीज होल्ड नहीं कर पाती वो पानी और आपके बॉडी में जमा होने लगता है, जिससे फर्दर एब्डोमिनल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, इंक्लूडिंग नौसिया एंड वॉमिटिंग। हेडेक्स। और एक साइन की आपको ओवर हाइड्रेशन है तो वो है आपको हेडेक्स होने लगते हैं, जो आप कभी कभी नोटिस नहीं कर पाते। जब भी आप टू मच वाटर पीते हो, आपके ऑर्गन स्वेलअप होते हैं और सॉल्ट लेवल्स भी डिप्लीट होने लगते हैं, और जिससे प्रेशर आता है आपके ब्रेन के पास वाले नर्व्स पर, जिससे पेन्स और हेडेक्स होते हैं। स्वेलिंग ऑन योर लिप्स, हैंड्स और अराउंड। अनदर साइन कि आपको ओवर हाइड्रेशन है कि स्वेलिंग होना आपके इन और अराउंड फेस और बॉडी पार्ट्स के। टू मच वाटर होने से आपकी बॉडी में आपकी बॉडी स्वेलअप करती है। फर्दर मोर, आप कभी कभी डिस्कलरेशन भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और शायद ब्लोटिंग और स्वेलिंग से आपकी बॉडी वेट गेन कर सकती है। मसल क्रैम्पिंग वीकनेस। जितना हायर वाटर लेवल्स होता है उतना ही लोअर होता है इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट हमारी बॉडी में। ऐसे मिसमैच से आपको सोरनेस, मसल क्रैम्पिंग जैसे सिम्टम्स दिखने लगेंगे, जो आपके बॉडी के शेड्यूल को डिस्टर्ब कर सकते हैं और आपकी बॉडी को स्टिफ बना सकते हैं। तो दोस्तों, पानी पीना आपके हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, बट इतना जरूर ध्यान में रखिए कि आप ओवर हाइड्रेटेड ना रहे। तो अगर इससे जुड़े आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।